नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टे गुड की फाउंडेशन का रिव्यू। अभी मैं एक फाउंडेशन परचेज करना चाहती थी और इस फाउंडेशन के मैंने रिव्यूज काफी अच्छे देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे परचेज कर देखूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है ये सब चीजें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट सा मिस कर दें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सो दोस्तों ये रही मेरे हाथ में सिर्फ स्टे गुड की फाउंडेशन की बॉटल। और पैकेजिंग की अगर बात करूं तो बहुत अच्छे से ये बबल रैप होकर प्रोडक्ट मुझे मिला था, कहीं से भी कोई भी डैमेज नहीं था, तो काफी अच्छी पैकेजिंग में आया था। और सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हो गाइस। और इसकी परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं। तो ये देखिए सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। और इसकी जो बॉटल है, आप नीचे की जो ट्रांसपेरेंट बॉटल देख रहे हैं ये ग्लास में है, ये कांच की बॉटल में है, और लेकिन जो इसकी लीड है ऊपर की ट्रांसपेरेंट ये है प्लास्टिक में। तो चलिए मैं इसे ओपन कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये पंप बॉटल में आता है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि आपको 2-in-1 फॉर्मूला दिया गया है इसे निकालने का। आप इसे पंप की हेल्प से भी निकाल सकते हो फाउंडेशन को, और स्टिक की हेल्प से भी। ये देखिए, तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और ये ऑरेंज टोन में है, तो मीडियम स्किन टोन वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है ये। चलिए मैं अभी से अपने फेस पर आपको अप्लाई कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये कवरेज देता है। वैसे ये शीयर टू मीडियम कवरेज देता है। अब मैं इसे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया था पहले ही। सो आप देख सकते हो ब्लेंड तो ये अच्छे से हो गया था, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे ये पैची दिख रही है मेरी स्किन मुझे लगाने के बाद इसे। ये देखिए, और जबकि मैंने मॉइस्चराइजर भी लगाया था लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी दिख रही है मेरी स्किन, और ज्यादा खिंची खिंची सी लग रही है। तो मैं तो आपको इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस। आप देख सकते हो सिर्फ एक हल्की सी मतलब एक ब्राइटन हुआ है फेस, हल्की सी स्किन ब्राइटन हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी कवरेज नहीं दी है इसने। शीयर टू मीडियम कवरेज ही है इसकी, लेकिन इसने मेरे जो डार्क स्पॉट थे हल्के फुल्के वो इसने कवर नहीं किए हैं, सिर्फ एक लेयर जैसे होता है बस। ये लग रहा है कि हाँ कुछ लेयर लगाई है फाउंडेशन की, तो आप देख सकते हो। सो गाइस मैं आपको इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, तो आप इसे ना ही यूज करें तो बेटर होगा। मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे वेस्ट हो। तो ये बिल्कुल मेरा एकदम से ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। और वेट एंड वाइल्ड का और मेबेलिन का फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और उनका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। सो गाइस एंड में मैं आपको कुछ टिप देना चाहती हूँ। मैं आपको इस फाउंडेशन को परचेज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस, क्योंकि अगर आपकी विंटर्स में ड्राई स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है तो आपको इसके मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से भरकर लगाना पड़ेगा। क्योंकि इसे लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन थोड़ी सी और ज्यादा ड्राई होने लगी है, क्योंकि मुझे मैंने जबकि इसमें मॉइस्चराइजर भी लगाया था फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है इसे लगाने के बाद। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे आप फेयर एंड लवली की कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम अप्लाई करते हो तो वैसी ही स्किन हो जाती है, और जो कि बहुत ही बकवास लगती है आपकी स्किन, नहीं तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। और आप इसे समर्स में अगर यूज करना चाहते हो तो समर्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ऑयली स्किन वालों के लिए फाउंडेशन बेस्ट है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का स्टे गुड की फाउंडेशन का रिव्यू। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हो गाइस, मैं वहां पर भी एक्टिव हूँ। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।